डिमांड की थी कि हम SSC की सीबीआई इंक्वायरी चाहते हैं अंडर सुप्रीम कोर्ट सुपरविजन, पर अभी तक हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। और हमने कहा था कि हम चाहते हैं कि जब तक इंक्वायरी नहीं हो जाती तब तक सभी एग्जाम्स पर स्टे लगा देना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं हुआ कि मतलब नहीं मानी गई है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी हो, और सर यहाँ तक कि बच्चों के आने के लिए यहाँ पे वॉशरूम तक बंद कर दिए गए हैं, और वॉशरूम बंद कर दिए गए, मेट्रो तक बंद कर दी गई है, जिससे कि यहाँ बच्चे ना पहुँच पाए। और सर कहा जाता है आश्वासन, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें रिटर्न में लिख के दिया जाए, इसलिए हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में सीबीआई इंक्वायरी हो, SSC के सिर्फ SSC जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, CGL, CHSL, MTS, CBO, इवन जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उन सभी की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए अंडर सुप्रीम कोर्ट सुपरविजन। क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा जी आप कहाँ से हैं? हम हरियाणा से हैं। हरियाणा से हैं? तो आपकी क्या मांग है, किन मांगों को लेकर आए यहाँ पर? सर हमारी मांग यही है कि हम जो SSC के एग्ज़ाम्स देते हैं, हम लोग MTS, CHSL, CGL ये सब जो एग्ज़ाम देते हैं, JEE वगैरह के जो होते हैं, तो हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो पेपर लीक हो रहे हैं, जो पेपर लीक हो रहे हैं वो सब बिल्कुल कंट्रोल हो जाए, कि हाँ बिल्कुल निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि SSC के हर पेपर की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जांच होनी चाहिए, और वो एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं जो अभी जो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं वो अभी बिल्कुल इन पे रोक लगा देनी चाहिए, क्योंकि अभी CHSL का एग्ज़ाम चल रहा है, 4 मार्च से 26 मार्च तक ये चलेगा, और अभी 4 मार्च का पेपर भी लीक है, और 5 मार्च का पेपर भी लीक है, और कल 6 मार्च थी तो उसका इवनिंग शिफ्ट का पेपर भी लीक है। ये क्या प्रूफ है कि जो 4 तारीख? सर हमारे पास सारे प्रूफ्स हैं। हम एक बच्चे का जो 4 मार्च का एग्ज़ाम हुआ उसके पास 10 एडमिट कार्ड है, एक ही बच्चे के एक ही नाम से 10 एडमिट कार्ड, सिर्फ उसकी डेट ऑफ बर्थ चेंज है, वो भी हर 2 महीने बाद वो पैदा हो रहा है बच्चा। कैसे हो सकता है ये नेचुरल प्रोसेस है, तो ये कैसे पॉसिबल है, आप ये बताइए हमें। अभी गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि ये बच्चे जानबूझकर यहाँ बैठे, हमने CBI जांच के लिए आदेश कर दिए। सर हम लोग जानबूझ के नहीं बैठे, हमें रिटर्न में ये बोल दें कि हाँ हम कोर्ट के अंदर हम CBI जांच करेंगे, हम एकदम तभी उठ जाएंगे। हम लोग विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, हम ये पॉलिटिक्स नहीं जानते हैं। हम चाहते हैं कि हमें हमारा हक आराम से मिल जाए, हमें क्या जरूरत है यहाँ पे बैठने की, आप भी बताइए। गर्ल्स के लिए तो यहाँ पे और भी प्रॉब्लम्स है, इन लोगों ने जो मेट्रो स्टेशन है जितने भी गेट हैं वो बंद करा दिए गए हैं JLM स्टेडियम के, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे बोला था कि ये जो टॉयलेट्स वगैरह है उसके लिए भी बंद कर दिया, मोबाइल टॉयलेट लाने के लिए इन्होंने बिल्कुल रोक लगा दिया, तो ये तो हमारे राइट्स है ना, इसको ये कैसे बंद कर सकते हैं। हम लोग बिल्कुल पीसफुली यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसका मतलब क्या बनता है यहाँ पे कि हाँ तुम लोग फिर भी उसको स्टॉप कर रहे हो, इस चीज़ का सोच लीजिए। गर्ल्स के लिए ये लोग दरी वगैरह लेके आए थे कि यहाँ रात को ये स्टे कर रहे हैं तो उसके लिए दरी बिछा दे, वो दरियाँ भी यहाँ से इन्होंने उठा दी, वो बोले कि यहाँ पे नहीं, हम लोग यहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे, तो इसका क्या मतलब बनता है। हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, पीटेंगे भी यही और अधिकार भी नहीं मांगने देंगे, तो मतलब क्या है। एक तरफ सरकार ये कहती है कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, और एक तरफ कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है। यही तो कहना चाहते हैं हम, मोदी जी को यही मैसेज देना चाहते हैं। सर जब आप कह रहे हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उनको काबिल बनाओ, तो कैसे वो काबिल बनेगी जब उनको उनके अभी अधिकार नहीं मिल रहे। हम लोग कहते हैं कि हम तो चलो ठीक है हम लोग फंस चुके हैं, लेकिन हमारे जो आगे आने वाले भाई बहन है वो भी तो सोचते हैं कि हाँ हमारा बड़ा भाई बहन किसी चीज में लगा, तो हम भी उधर ही अपना फ्यूचर को ब्राइट करें। अब जब हम ही इस चीज में फंसे तो कल वो लोग कैसे सोच सकते हैं। अभी पता नहीं पूरे देश भर में कितने बच्चे ऐसे बैठेंगे जो चाहते होंगे कि हम भी SSC की जॉब करेंगे, हम लोग उस चीज को उस प्रोसेस में जाएंगे, हम लोग को इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, हमें ये बनना है वो बनना है, लेकिन यहाँ तो पहले से ही सब फंसा पड़ा है, तो कैसे बनेंगे सब, ये बताइए आप। घर से आते हैं। आपका नाम? सर प्रिया। प्रिया जी आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से हाँ। आप प्रिया जी एक तरफ जब मेहनत करते हैं कोचिंग लेते हैं तो वहाँ एक पेरेंट्स की आशा होती है, माँ बाप की आशा होती है कि मेरी बच्ची पढ़ेगी लिखेगी और एग्जाम इस बार पास कर लेगी, तो उनके दिल पर क्या गुजरता होगा? सर वो हमें एक तो वो इतनी मेहनत से भेजते हैं, हम उन्हें बोलकर आते हैं 6 महीने की तैयारी होगी, 1 साल के अंदर हम जॉब ले लेंगे, बच्चा अपनी मेहनत करता है, लेकिन जब हमें बाद में आके पता चलता है, हम पेपर देकर आते हैं पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। मैंने MTS का पेपर भरा था, 2016 में MTS का पेपर हुआ था, ऑफलाइन हुआ था, वो लीक हो गया था, फिर उन्होंने बोला कि ऑनलाइन होगा, लेकिन फिर ऑनलाइन हुआ तो वो भी पेपर लीक हो गया, और अब उसका रिजल्ट मतलब उसे चेक भी नहीं किया गया और उसका रिजल्ट पहले इन्होंने कट ऑफ लगा दी, पहले ही डिक्लेयर कर दिया। आपने जब पेपर चेक
चेक ही नहीं किया तो आपने लिया क्यों, 1.5 लाख बच्चों को आपने फ्री में क्लियर कर दिया, मेंस के लिए फिर उन्होंने रिटर्न पेपर लिया, उसमें भी इन्होंने चेक नहीं किया, सीधा कट ऑफ निकाल दी। और इसमें तो इतने बड़े लेवल पे धांधली हुई है, ये प्राइवेट वेंडर्स को भेज देते हैं, वहाँ पे प्राइवेट में सारी सीटें खरीद लेते हैं बच्चे। फिर प्रिया जी, एक तरफ सरकार ये कहती है हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे, और ये लड़कियाँ, ये स्टूडेंट, आप लोग, एक कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, तो इस समय आप रोड पे हैं तो बेटियाँ कैसे बचेंगी? सर यही तो हम इसी बात के लिए तो लड़ रहे हैं, तभी तो हम सबको बोल रहे हैं कि आओ, ये हमारा आंदोलन है, हम युवाओं का आंदोलन है। इस बार हम लोगों ने होली भी नहीं मनाई, हम यहीं पर ही बैठे थे, क्यों, अपने आगे आने वाले भविष्य के लिए, ताकि उन्हें मतलब इस चीज से ना गुजरना पड़े। हम दो तीन साल तैयारी करते हैं, घर से बोलकर आते हैं कि एक साल में हो जाएगा, लेकिन यहाँ आके जब वो सिलेक्शन ही नहीं होता तो 3-3 साल लग जाते हैं। 2015 से बच्चे सिलेक्शन लेके बैठे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक जॉब्स नहीं मिली। क्यों नहीं मिली जॉब? आप क्यों, मतलब क्यों, हम आ रहे, बस यही है, हमारी मांगे पूरी की जाए। हमारी लड़ाई कोई सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ सिस्टम से है, इस सिस्टम को सही होना चाहिए, हमारी मांगे पूरी करें। आगे जब युवा बढ़ेगा तभी तो देश बढ़ेगा, युवा ही जब सड़कों पर बैठेगा तो फिर कैसे आगे बढ़ा जाए। धन्यवाद।